नमस्कार, प्राइम टाइम में अहाँ सबके स्वागत करै छी। हम अमित ठाकुर, बाद बाकी दिने जका आइ सेहो हम सब अपन टेलीविजन पर 7 बजे प्राइम टाइम लऽ कऽ उपस्थित भऽ गेल छी। चर्चा करब एखन के निर्वाचन के माहौल के बारे में। चुनावी माहौल एखन गरमायल छै, उम्मीदवार सब अपन अपन चुनावी क्षेत्र में लागल छथि या बीच में विभिन्न उम्मीदवार सबके बजाय कऽ अपन स्टूडियो में आमंत्रित करै छी। हम सब हुनकर सबके मुद्दा बुझे के कोशिश करै छी, ई निर्वाचन के बारे में बुझे के कोशिश करै छी, हुनकर सबके पार्टी के की विचार रहल छै, एहि निर्वाचन में कोन एजेंडा के साथ आगा बढ़ रहल छथि, ओहि सबके बातचीत हम सब करै छी प्राइम टाइम में। वएह क्रम में आइ सेहो हम सब एकटा अतिथि के इनवाइट केने छी अपन स्टूडियो में। ओ छथि मातृका यादव जी। मातृका जी धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा के लेल उम्मीदवार छथि वाम गठबंधन के तरफ से। हुनका संगे आई के प्राइम टाइम। मातृका जी स्वागत है अहाँ के। धन्यवाद मातृका जी। अहाँ एक नेशनल लेवल के लीडर मानल जाए छी, मधेश के रिप्रेजेंट करै छी, धनुषा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 सेहो प्रतिनिधि सभा, की समस्या सब देखलिए, चाहे की अहाँ के आकर्षित केलक जाहिसँ अहाँ एहि क्षेत्रसँ उम्मीदवारी दऽ रहल छिए? खास कऽ कऽ आब स्थानीय समस्या सब तऽ एहिठाम छिते छै, लेकिन राष्ट्रीय समस्या छै जे ई संविधान बनल छै अपूर्ण छै, आओर एकरा पूरा करैके लेल मधेशक जनजातिके उत्पीड़ित समुदाय सबके समस्याके हल केनाइ आवश्यक छै, आओर मुख्य रूपमे हमरा ई मुद्दा आकर्षित कयले हइ। जबकि धनुषा मधेशके जिला सब तऽ सुगम मानल जाइ छै, लेकिन देखब तऽ दुर्गमोसँ बदतर छै हमरा सबके क्षेत्र। यातायातके सुविधा सब नहि छै अहाँके, बरखामे तऽ अहाँके कतौ जाइके स्थिति नहि रहै छै, दोसरमे अपनेके नहर छै तऽ ओहिमे पानि लोकके मिलै छै, बहुत समस्या सब छै। आओर अपना सबके मधेशक जे विकृति सब छै ओकरो एकटा राष्ट्रीय रूपमे उठा कऽ ओकरा हल करी, आओर देशमे राष्ट्रीय एकताके आवश्यकता छै। जबकि कुछ लोग सब चाहै छै कि देशके जे एकताके भावना छै ओ खतम होइ कहिके, आओर साम्प्रदायिकताके लहर चलै, ओहिमे कुछ लोक सबके व्यापारी सबके युद्ध पिपासु सबके फायदा होइ छै। ई सब चीजके हल करैके लेल हम अपन उम्मीदवारी हमर पार्टीके तरफसँ हमरा उम्मीदवार बनायल छै, आओर हमसब साझा उम्मीदवार छी वाम गठबंधनके। वाम गठबंधन अहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रसँ बिलोंग करै छियै, अहाँके मेन बात अहाँ रखलियै जे संविधान प्रति जे असंतुष्टि छै, जे कमी कमजोरी छै, ओ अहाँके आकर्षित केलक। एहिबेरके जे आन्दोलन भेल छलै मधेश आन्दोलन 72 सालमे, अहाँ माओवादी केन्द्रसँ साइड भऽ कऽ स्वतन्त्र रूपसँ आगाँ बढ़ि रहल छलियै, की परिवेश बनलै जे अहाँ फेरसँ माओवादीमे मर्ज भऽ गेल छी? हम की देखलियै कि देशमे एहन वातावरण बनि रहल छलै कि मधेश आओर पहाड़के बीचमे एकटा दङ्गा हुअके अवस्था सब सेहो सिर्जना छलै। पहाड़ी शासक सब मधेशीके आवाज सुनैके पक्षमे नहि, आओर यानिकि जे पुलिस प्रशासन सब छलै ओकरा साम्प्रदायिकताके तरह मतलब आन्दोलनकारी सबपर अहाँके गोली चलबी मतलब दमन करै, अपनहुँसब देखली होइत, हम तऽ खुद आन्दोलनमे सहभागी रही। हम ई सोचली कि मतलब अगर माओवादी वही खेमामे रहै छै तऽ मधेशके आओर घाटा होतै, ताहि दुआरे माओवादी जोड़े जे एकीकृत माओवादी रहै तकरा जोड़े एकता केनाइ जरूरी छै, आओर जे माओवादीके पहिलका मधेश प्रतिके जे सोच रहै ओहिमे तऽ किछु तऽ विचलन आयल रहै, तऽ ओ सोचके अगर स्वीकारै छी तऽ हमसब एक जगह भऽ कऽ कमती मधेशके अधिकार स्थापित करैमे की बदलाव देखलियै माओवादीके पहिलेके सोचमे आ एखनके सोचमे, जे अहाँके माओवादी एखन प्रिय लागि रहल? मालूमत कि जहिया हम एकतामे साइन केलियै 6 दिनके बाद हम साइन केलियै, आओर साथी सब आओर समूहके साथी सब जस्ट एके गतेके सही केले रहै, हमसब हम घोषणा करै दिनमे मात्र साइन केलियै,
जब मधेश के इशू स्वीकारल के मधेश आंदोलन के स्वीकारल के मधेश समस्या के स्वीकारल के तब हम अपने के सिग्नेचर के लिए और एकता अभियान में माओवादी सबके जोड़ के अभियान में हम सहभागी भेलिए। ते दुआरे जे जनयुद्ध बेर में जे मधेशी सब के बारे में जे सोच रहे माओवादी के से मतलब सोच के फिर ओहन देखल गए मतलब कम्प्लीट प्रचंड में तई हेतु मतलब हम सब एकता प्रक्रिया में गए। ई बदलाव जे छै से अहाँ क्षणिक देख रहल छी कि ई सस्टेनेबल रहतै निरंतर देखल में एतै कि चुनाव के दौर मात्र छै तऽ वोट आकर्षित करै के ई प्रेम देखाइ दे रहल छै। हमसब तऽ चुनाव से बहुत पहिले एकता कैले छी, कोनो चुनाव बेर में एकता के लिए से वाला बात नहीं। 10 महीना के सरकारो बनले मतलब प्रचंड के नेतृत्व में तऽ मधेश के जे समस्या रहै ओकर हल करै के लेल काफी कोशिशो भेलै, नहीं सकल उ बात दोसर से कोशिश तक कल के प्रचंड इंडिया संगे के जो दूरी बढ़ल वो मतलब कम करे के कोशिश कल के ते दुआरे चुनावी अभी तक तो संसदीय व्यवस्था में के एक लक्षण से अहाँ के चुनाव बेर में बढ़िया बढ़िया नारा दिलक है ना, चल गए जीत के तो बिसर गए मतलब दुनू पक्ष बिसर जाए के हरलाहबा तो आरो घूमो के नहीं गए आ जितलाहबा के फुर्सते नहीं भेल मतलब अहाँ के काठमांडू बैठस। लेकिन हमरा नहीं लग रहा है अगर ओहने रहते हमरा सबके पार्टी ओहन रहती से हमरा नहीं लग रहा है एकदम गंभीरतापूर्वक सोच समझ के वाम एलायंस बनल छे और हम सब जनता के समस्या के संबोधन क के छोड़बे से हमरा पूरा विश्वास। वाम गठबंधन में दूटा पार्टी एखन मुख्य देखल जाए छे नेकपा माओवादी केंद्र आ नेकपा एमाले। अहाँ संविधान के अपूर्णता के बात करी छी, समस्या के बात करी छी, अहाँ सबके पार्टी ओहि के सपोर्ट सेहो करै छी संविधान संशोधन में पॉजिटिवली सामने अबै छै, लेकिन अहाँ सबके जे एलायंस के पार्टनर जे नेकपा माओवादी ओ ओहि के अगेंस्ट में रहै छै, ओहि के विरोध में रहै छै, अहाँ सब सपोर्ट ओ अगेंस्ट ई दू जना के आखिर में मेल सँ मधेशी जनता के फायदा केना हेतै? तऽ खास कऽ कऽ देश में एकटा तऽ कथी छै वाम गठबंधन बना के कि देश में 70% जनता अहाँ के कम्युनिस्ट समर्थक है, 70% ऐसे बेसी अगर एकुरेट अथी कल जाए तो। लेकिन कहियो नहीं वाम के सरकार स्थायित्व भ कर रही 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा निकल फूट के कार्य तो एकटा स्थायित्व मतलब बने और जिस जनता में प्रतिबद्धता करे उसे पूरा करके अभियान चले वो संभावना है। एगो दोसर में अपने जो कहलिए कि मतलब ये मान ले के पक्ष में नहीं छे तो जो छ बुदे जो समझदारी बनल छे उल्लेख छे मधेश के समस्या से हल करबे के है ना, आ मधेश के समस्या बिना ये देश अगाड़ी बढ़े वाला नहीं छे। तो हम सब तो मधेश के एक सिपाहियो छी, देशों के सिपाही छी लेकिन मधेशों के सिपाही छी हम सब। ते दुआरे ये माले में परिवर्तन है, एमाले के साथ बिना संशोधनो नहीं हम सब कर सकली। ते दुआरे एमाले कांग्रेस सबके मिला कर संशोधन के लिए तो हमरा सबके तो ये लग रहा है कि दू तिहाई बहुमत से होते है ना, नहीं तो बहुमत की सरकार बनते और सबके मिला कर संशोधन कर संविधान के हमरा सबके पार्टी तो फरक मतो रख ले। ते दुआरे एमाले वो मतलब ये रास्ता पर रिलाइज होती क्या देश के समस्या हल करबे के लिखल छै। दूटा बात अहाँ के आंसर में से हम निकालै छी, एकटा राजनीतिक स्थायित्व जे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, दोसर अहाँ कहली समझौता में मधेश के समस्या के हल करके बात कहल गेल छै। समझौता ऐसे पहले हो बहुत बेर भ चुकल छै जिनमें मधेश के मांग एड्रेस करे के बात कैल गेल छै, अंतरिम संविधान में जे अधिकार देल गेल रहे ओ तक खोज लेल गेल छै, एमाले के सेहो माधव कुमार नेपाल ओहिमे सिग्नेचर केने रहथिन जहिया भेल रहे आत्मदेह समझौता जाहिमे मधेशी के हक अधिकार के बात कैल गेल रहे। एखन फेर से समझौता एगो भेलैया, जखन पहिले के ट्रैक रिकॉर्ड देखल जाए समझौता सब जखन कारण नहीं कैल जाए छे जनता में एकटा आशंका तो रहबे करती जे एखनो ई समझौता कैला आखिर में कारण हेतै संविधान संशोधन में फेल कराए देलके। दोसर बात एहिमे हम जोड़ब स्थायित्व के बात, स्थायित्व के बात जखन अबै छै गवर्नमेंट चलाबे के बाद अहाँ जाबे तक राजनीतिक रूप से अधिकार सम्पन्न नहीं करेबै संवैधानिक अधिकार नहीं देबै देश के आधा जनसंख्या के
सरकार टिकेनाइयो एकटा बड़का बात रहै छै आ राजनीतिक स्थायित्व सम्भव नहि भऽ सकै छै। ओ तऽ जनताके जतऽ उपेक्षित करबै अहाँ, जनता पर दमन करबै, जनताके अधिकार नहि देबै तऽ ओनाहिते मतलब अहाँके अस्थिरता पैदा भऽ जाइ छै। ओ तऽ विज्ञानके नियम छै। तऽ अपनेसभ विश्वास करू, अपनेसभके मार्फत जनताके हमसभ विश्वास दिलाबय लागि जाइ छी। हमसभ जे प्रतिबद्धता करबै ताहि अनुसारके काज होतै है। आओर ई मालवोके ओहि लाइनपर आबय पड़तै, अगर नहि अयतै तऽ हमरासभके तऽ फेर पार्टी एकता करयवला बात छै है ना। प्रचण्डोजीके एक टाइममे मधेशसँ बहुत प्रेम देखल जाइ छलै, एखन खुलि कऽ ओतेक सामनेमे नहि बजै छथिन मधेशके बारेमे, बजै छथिन तऽ फेरो कैला सिरहा छोड़ि कऽ चितवन दिस जाय पड़लै हुनका। हमरा सभके ई छै कि अपने अपने जिलामे चुनाव लड़ू, अपने अपने स्थानीय रूपमे चुनाव लड़ू। कुछ जगह तऽ बाहरोके आदमी सभ लड़ल छै, लेकिन प्रचण्ड पहिने ही घोषणा कऽ देने रहै अहाँके है ना। अखन तो सिरहाके देखबै वाम एलायंसके मत बहुते अगाड़ी छै, दुनूके मिलाके बहुते अगाड़ी छै। आ प्रचण्ड जीके टकरो भेल रहै मतलब ये मालवे जोड़ै, कांग्रेसके 1000 समथिंग वोट मात्र आयल रहै, मतलब दोसर सबके मतलब कतेक कतेक हजारो नहि पुंगल रहै होइए, खाली दूटाके बीचमे वोट केन्द्रित भेल रहै। तऽ ओहि तऽ आओर सुरक्षित छलै, जे अखनी चुनाव लड़ गेलैए ताहिसँ तऽ सुरक्षित छलै अहाँके सीधा, लेकिन ओ पहिने ही पार्टीमे कहलके अपने अपने ठाँबाट चुनाव लड़नी है ना। विशेष कऽ कऽ तऽ अपन जे बच्चन फेर घोषणा कऽ देने म चितवनबाट लड़छु, अगर चितवनमे नहि लड़ै छी तऽ अपने फेर उठी दी कि मतलब अहाँके नेता तऽ चितवनमे कने रहे लड़ब, कि डरसँ भागि गेल कि सेहो ककरो क्वेश्चन उठऽ लगै छै। हमसभ बहुते किसिमसँ सर सलाह कयली, मतलब कैला तऽ नेताके सुरक्षित ठाउँ हुअ चाही है ना। हुनकर एकदम दृढ़ अडान रहलै कि मतलब हम घोषणा कऽ गेल छी, ताहि दुआरे हम पछाड़ी नहि हटबै देत। वाम गठबन्धनके आरोप कही लागै छै कांग्रेस लगायत लोकतंत्र मानयवला पार्टी सभके तरफसँ, जे ईसभ साम्यवादी लादऽके कोशिश कऽ रहल छथिन, 10 वर्षके भीतरमे साम्यवाद नेपालमे आबि जेतै, ओ हिनकर सभके प्लान रहल छै, समझौतामे उल्लेख कयल गेल छै, आरोप कांग्रेस निरन्तर लगा रहल अइ अहाँ सभपर। तऽ की एहि बेरके जे चुनाव जे छै अन्तिम चुनाव रहतै तऽ एहि देशमे? चुनाव तऽ सभदिन होतै, समय समयपर चुनाव होबे करतै। ई संविधान अहाँके जते अवधिके लेल बनल छै, ताहिके बाद फेर चुनाव तऽ होबे करतै। रहि गेलै कथि कांग्रेस जे आरोप लगाबि रहल छै कि चुनावे नहि होतै, बोलही नहि पैती, कानहू नहि पैती, के सेहो कहि रहल छै है ना। हमसभ कान दिएके अवस्था सिर्जना नहि करी, कान दिएके अवस्था, लोकके उत्पीड़न होइ छै, लोकके अभाव होइ छै, लोकके समस्या होइ छै, तब ने लोक कनै छै। जब ओहि तरफ उन्मुख रहै छै, ओहिके हल करयके लेल जे प्रयत्न होइ छै, तऽ ओहन लोक नहि करै छै, ओहन आशावादी होइ छै, निराशावादीसभ कनैत रहै छै। अखनी लोक कानि रहल छै, अखनी लोक आक्रोशित भऽ रहल छै। ताहि दुआरे कांग्रेसके जे फेर अपने कहै छी लोकतंत्रवादी, ओकरा पार्टीमे तऽ लोकतंत्र होइए नहि, ओकरा पार्टीमे लोकतंत्र नहि छै। अपना आपके लोकतंत्रके स्टेक होल्डर तऽ मानै छथिन ने, वएह कहै छथिन लोकतंत्रके लीडर सब हमही सब छी। डीपी कोरालाके सिद्धांत पर सब चलबे नहि करै छै, ओकरो रहै समाजवाद, हमरो सबके समाजवाद है ने। आब ओकरा सबके समाजवाद केहन छै कि राष्ट्रीय उद्योग धंधाके बेच कऽ निजीकरण करै छै, ओकरा सबके समाजवाद। समाजवादके परिभाषा कथि बिसरि गेलै ओसभ। ताहि दुआरे कांग्रेस कथी कहै छै, कथी करै छै से देखियौ ने, मतलब ओ करै छै कथी, ओकरा पार्टीमे लोकतंत्र नहि छै, ओ अपनाके लोकतंत्रवादी। आब जेना पहाड़मे कहैत रहै छै, आँखि नहि रहै छै कहैत रहै नैन बहादुर नाम रहि दै छै ओकरा है ने, कान नहि रहै छै श्रवण कुमार नाम रहि दै छै अहाँके। तेहने कांग्रेस लोकतंत्रवादी हबे नहि करै, खाली चुनावे सब लोकतंत्रवादी भऽ जेतै से वाला बात नहि ने। मतलब जनताके बोलऽ दिएके अधिकार हुअ चाही, जनताके बोलऽके मात्रे नहि, ओ बोलै छै ताहिके संबोधन हुअ चाही। लोकतंत्र असली लोकतंत्रके परिभाषा हम कथी बुझै छियै, जनताके बोलऽ दिएके छूट, आ जनता जे चीज बजै छै सही चीज ओकर संबोधन हुअ चाही। ई नहि कि मतलब अहाँके नंगे नाचैके छूट भऽ गेल, ओ लोकतंत्र अराजकता छै है ना। तऽ ओसभ लोकतंत्रवादी हेबे नहि करै। अहाँ सबके जे साम्यवादी आरोप जे लगै छै, हुनकर सबके साम्यवादके हिसाबसँ अहाँ सब चुनाव नहि होबऽ देबै, चाइनावला रूल आनि देबै, एकल पार्टीके राज रहतै, अहाँ सबके साम्यवादके परिभाषा की छै? तऽ हमरा सबके साम्यवाद तऽ बहुत दूरके बात छै,
समाजवाद के अखनी संविधानों कहने से समाजवाद तरफ अगाड़ी बढ़ पे समाजवाद के क्षमता अनुसार के काम आ काम अनुसार के दाम लोग के मिलत चाहिए। दोसर में आके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कमती में जनता के मौलिक हक हुआ चाहे अधिकार नहीं मौलिक हक हुआ चाहे कानूनी भाषा में हम तो नहीं बुझी होते कानूनी भाषा में हक और अधिकार में फर्क हुई छे लिख दे अधिकार के मौलिक अधिकार के अहाँ के देते हो नहीं देते हो सरकार के मन तो दे नहीं मन तो नहीं दे हक के कानून अर्थ हो ना लागू करते थे तो ते दुआरे मतलब ई चीज सब मतलब अब जना शिक्षे छे अहाँ के हमरा पैसा है तो हम फर्स्ट क्लास में जना होटल में फाइव स्टार में लोग जाके बैठी छे आ जरा नहीं रहा अहाँ के मतलब जनरल अथी में 50 रुपया वाला में जाके मतलब लोग रह जाए मतलब शिक्षा के अवस्था तेहन छे अहाँ के यानी स्वास्थ्य के अवस्था तेहन छे सारा युवा अहाँ के श्रम शक्ति मतलब संस्था में बेच रहा है अहाँ के दिन के दिन अहाँ के मध्य ते में अपन जिला अहाँ के 1 नंबर है संख्या में विदेश में जाए वाला तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के गारंटी करना ये जरूरी है। तो द्वारा समाजवाद के नाम पर डराई वाला स्थिति भी है समाजवाद की मतलब सामूहिकता के वर्चस्व रहती छोट फैक्ट्री के हालत देखी छी छोट फैक्ट्री के हालत देखी छी तो कमती में अपना सके जिला के तो 25% तो रहती नहीं हुई मुझे 25% युवा तो रहती नहीं मतलब जो रोजगार होती थी में छोटके छोटके नौकरी तो पैती नहीं मतलब खाड़ी मुल्क में तो नहीं जाए फिर यदि यदि चुरोट कारखाना के जखन बात के लिए यदि अहाँ सब जे जीत कहबै छी तऽ ओकरा पुनर्संचालन के तरफ आगा बढ़ेबै हमर तऽ पूरे उद्घोष छै कि ओकरा संचालन करब लेकिन ओतय तऽ स्टेट के असेंबली हाउस सीएम हाउस ई सब बनाबै के बात भरल छै ओ बनाबै के बात भर तो गलत भरल छै जनता के रोकऽ पड़लै जनता आंदोलित हुअ पड़लै लेकिन एखन तक तऽ तेहन किस्म के आवाज सब नहि आबि रहल छै तऽ मतलब सपोर्टे बुझी एकरा नहि नहि तऽ हम अहाँ के शुरुए से कह रहल छियै कि अहाँ घोषणा पत्र में देखबै जे रुग्ण है अथि उद्योग सबके संचालन करय पड़तै हमरा सबके अथियो में देखबै जूट मिल छै विराटनगर में अहाँके कृषि कारखाना अथी सब छै वीरगंज में एकरा सबके मतलब अहाँ जब तक देश में रोजगार नहीं सृजन ना करबै अहाँ के देश सम्पन्न नहीं हो सकते सस्ता मूल्य में श्रम बेच के कोनो देश अहाँ के सम्पन्न नहीं भेल छै अहाँ के रोजगारी के बात करै छिए अहाँ सबके घोषणा पत्र में विभिन्न आकर्षक जे कहै छै एजेंडा सब राखल गेल छै घोषणा पत्र जे काल्हि अहाँ सबके सार्वजनिक भेल काठमांडू में बहुत बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव बात सब राखल गेल छै रेल मार्ग निर्माण लगायत 2099 तक पूरा डेवलप्ड बना देनाय लगायत स्मार्ट सिटी ताहिके बाद प्रति व्यक्ति आय $5,000 $5,00,000 ईसब एहिसँ पहिलहो प्रचंड जी के एहन भाषण सब आयल चुकल छलै पहिला बेर जो प्रधानमंत्री बनल छलाह लेकिन काम ओहि हिसाब के कऽ नहि सकल पहिला बेर मे तऽ कमल प्रचंड के अनुभवो के कमी रहै दोसर लड़ाइए मे दिन हुनकर बीत गेलै राजीनामा करय पड़लै एहि बेर मे अहाँ देखलियै 10 महीना के अवस्था मे एको पॉइंट सँ एको सँ कम आर्थिक वृद्धि दर है ओकरा 7.5-7.5 के बीच में लगल 10 महीना में तो देखली न मतलब ये चीज है तो अइए तो ईमानदारी पूर्वक करू तो नेपाल तो बन वाला स्थिति है नहीं मतलब ते दुआरे आकर्षक नारा नहीं मतलब अहाँ के कुछ तो अहाँ के जे कते तक कर सकब कुछ तो लक्ष्य तो अहाँ के अगाड़ी राख पड़त नहीं लेकिन ये कते तक संभव छै तो मातृका जी ये सपने देखेनाय जगह होय छै सपना देखाय नहि छै अगर ईमानदारी पूर्वक जे सरकार में जाए छी सत्ता में जाए छै वो अगर ईमानदारी पूर्वक करो तो देखल गेलै 10 महीना में तो देखल गेलै ओ चीज सब नहि मतलब बहुत ही चीज देखल गेलै लेकिन गवर्नमेंट तो अहाँ सबके यदि 2/3 आए तो अलायंस वाला रहत अहाँ अपने स्वीकार ली 1% से नीचा छे 0.6% छे ओली जी के पाला बेर में एगो ओहन लीडर जे देश के विकास दर के 1 से नीचा झाड़ दे ओकरा साथे साथे आगा बढ़ा कर एतेक हाई एम्बिशियस बात जे रखबे प्रचंड अहाँ के साथ तो लियो गेलै नहीं तो वह तो कहे छी रथ के दूटा पहिया में एक टा डैमेज जका शुरुए से नजर आबि रहल छै हम सब ठीक ठाक कर रखबे नहीं ठीक हो वाला स्थिति बुझाय छै मात्र का जी विश्वास केल जाओ ना अपने विश्वास केल जाओ
आ ठीक ठाक नहीं अगर हम सब कर सकते अहूँ सब में जोर लगे तो भ जेते आम जनता जोर लगेते आम जनता इम्हर के यदि बात करी जोर लगवेत लगवेत थाक गेल छथि कतेक दिन से एमाले पार्टी बाते नहीं सुनने के लिए तैयार हो छै एमाले पार्टी अगर नहीं सुनते तो एमाले पार्टी नहीं रह जेते माओवादी पार्टी अगर नहीं सुनते जनता के बात माओवादी पार्टी पार्टी नेता विचार केकरा ले जनता के लिए अगर नहीं सुनते तो पार्टी नेता सब धराशायी भए जेतै ताहि दुआरे ओ चीज निगेटिव सोचबे नहीं करूँ अब देखियो ना मतलब वाम गठबंधन के सरकार बनला के बाद है ना हमू सब तर नेपाले में रहबे नहीं हम सब अपने मार्फत आम जनता के विश्वास दिलावला चाहे छे जे प्रतिबद्धता सब केने छे ओकर शुरुआत होती लिखे बाजी हमरा सीतामढ़ी जाए के तके बाजी तो नहीं पहुँच जेबे हम चले छी कि नहीं चले छी ओहि रफ्तार में आम लोग जे चली तै तैसे कनी बेसी चली छी कि नहीं चली छी है ना उ देखबे तब अपने सब कमेंट करब फिर बजायब टीवी अथी में आ फिर कहब कि तोसब तो बजी छै एकटा बात आ करी छै दूटा बात दोसर बात कही कऽ है ना से तऽ अपने सबके राइट रहबे करत ने दर्शकबिंद प्राइम टाइम में मातृका जी संगे चर्चा एखन भ रहल अछि चुनावी माहौल लगायत हुनकर एजेंडा पार्टी के एजेंडा आ देश के विभिन्न जे एखन घोषणा पत्र सब में जे बात जे आबि रहल छै विभिन्न दल सब के जे वादा सब भ रहल छै ओहि सब के चर्चा परिचर्चा जारी रहबे करते एखन एकटा छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के तरफ अग्रसर होइ छी विश्रामक बाद ई चर्चा हम सब फेर से आगा बढ़ेबे करब व्यावसायिक विश्राम के बाद अहाँ सबके फेर से स्वागत करै छी हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में हमरा सबके साथ में छथि वाम गठबंधनक धनुषा क्षेत्र नंबर एक के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार मातृका यादव जी हुनका संगे के चर्चा आ विश्राम के बाद फेर से आगा बढ़ाबै छी मातृका जी एहिसे पहले वाम गठबंधन लगायत अहाँ के एजेंडा सबके बारे में बातचीत केलहुँ कनिक पछा चलै छी ओहिसे वाम गठबंधन से पहले अहाँ सबके नेपाली कांग्रेस सरकार में एलायंस बनल छलै एखनो तक अछि एखन तिक्तता देखल जा रहल छै सरकार में अहाँ सब एलायंस बना सकै छियै चुनावी एलायंस सेहो छलै अहाँ सबके लोकल लेवल के जे इलेक्शन छलै स्थानीय तक के एहि बेर कैला नहि कांग्रेस संगे एहन अहाँ सब एलायंस कऽ सकलियै सबसे बड़का चीज छै कि लोकल इलेक्शन में अहाँके ये मालबो ठाँव ठाँव पर केलकै कांग्रेस जोड़े एलायंस मतलब कांग्रेसो केलकै एलायंस बहुते जगह अहाँके रोलपा के थवांग में अहाँके एमाले कांग्रेस सबके रापरपा सबके अलायंस रहे हमरा सबके विरुद्धमे हमसब कहाँ ओहिपर बेसी तरंगित भेलियै कोनो तिक्तता नहि भेलै रहि गेलै कथि कि हमसब लोकल इलेक्शनमे सेहो कोशिश केलियै लेकिन अहाँ देखलियै होइत कि अथीमे चितवनमे 10,000 कांग्रेसी मत अहाँके एमालेमे देलकै ताहिके बादमे ओहूसँ लेसन लिअ चाही हमसब अइन कोशिश दू नम्बरमे केलियै बहुत कोशिश हम केलियै है ना आ ई कहियौ ने हमर अभीके प्रतिद्वन्द्वी चुनावमे आनन्द डुगाना दाइ से रहै एन के मतलब जिम्मा लेने मतलब अथी करैके लेल हुनका जोड़े बहुत हमरा बचपनेसँ हार्दिकता है कोनो अथी ऐसेवला बात नहि कहली करऽ पड़लै दू जगह भेबो कयलै लेकिन ओ सफल नहि भेलै अहाँके नहि भेलै सफल एक जगह अहाँके घोषणा भेल रहै हमसब सहमत कऽ लेने रही तकरो पछाड़ी से कहलकै नहि बोलू ई सम्भवे नहि छै लालबंदीमे अहाँके तऽ ई देखली कांग्रेस भरपर्दो पार्टनर नहि बनि सकै छै एलायंसके लेल ओते छलै कि अथी लोकतांत्रिक गठबंधन बनतै कि कतौ गेल लोकतांत्रिक गठबंधन नहि ने बना सकल ताहि दुआरे हमसब देखलियै सरकार स्थायित्व केना होतै एकटा मूल प्रश्न छै ई चान चुनैवला बात नहि छै अस्थिरता 5 वर्ष तक सरकार नहि चलाना ई एकदम अहाँके कमतीमे तऽ ओ अपन लाइन अनुसार तऽ चलाबो से नहि देखलियै हमसब ओकरा सब जोड़े भरपर्दो एलायंसे नहि देखलियै ताहि दुआरे हमसब वाम गठबंधन कऽ कऽ अगाड़ी बढ़ अइए तऽ जरूरी छै अहाँके राष्ट्रीय सरकारके
सब गोरा मिल के मतलब ईमानदारी पूर्वक मतलब देश हाँको कुछ दिन है ना अगाड़ी बढ़बो मतलब यह कोनो विपक्षे नहीं रहो तो होती बरू वही में अगर गलती क्यों करी तो आलोचना करे के ठाउँ हुआ चाहिए मतलब विपक्ष की भूमिका कर सकिए फूट दक मतलब ओते तक असभ्य मधेशवादी दल हो सभी गोरा मिलकर एगो समझदारी बनाकर जाओ देश के अगाड़ी बढ़बो हमार तक कभी कभी तेन सोच बनित रहिए मतलब लेकिन ये चीज़ सब नहीं देख रही तो हम सब बाम उठ अगाड़ी कांग्रेस के यहाँ कहे भरपर्दो पार्टी नहीं है कांग्रेस लगाए तो आरो विचारधारा से हो कहल जाए छे जे माओवादी स्पेशली प्रचंड सन अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी व्यक्ति क्यों नहीं छथि एमाले संगे सेहो सरकार बना लेलखिन अहाँ सब से फेरो कांग्रेस के संगे सरकार बना लेलिए सरकार में रहितो विपक्षी दल जे छले ओकरा संगे गठबंधन कका अब आगा जा रहल छी आप अगर हम सब अपॉर्चुनिस्ट रहतिए तो जना ओली जी कहे नी कि मतलब कोनो समझौते भएको छैन प्रचंड कमरेड के साथ भेलै नी मतलब तेनाहिते हम प्रचंडो कमरेड के कोनो समझौते भएको छै प्रचंड कमरेड तो छोड़ दिल की नहीं दुनिया में प्रशंसा भेलै कि प्रचंड कमरेड छोड़ दिल की कहके हमसे केकरो जोड़े मिल के तो नहीं फिर गेली बनब लगी बनब सकै छी ना हमरा सबके तो ओनो ऑफर सब रहे नहीं मतलब कि कांग्रेस के छोड़ के हमसे सरकार छोड़ दिलिए अखनी तोरी ओकरा सरकार में छै तऽ छी कि चुनाव करब बड़ कांग्रेस अवसरवादी भेलै कि हमरा सबके मंत्री के बिना विभागीय बना कर मतलब रापरपा के लाइव लेल के अखन कतौ कतौ पूरा तो नहीं है कतौ कतौ ओकरा जोड़े अलायंस कयने छै जे पार्टी राजा चाही जे पार्टी मतलब ओकरा जोड़े अलायंस कय रहल छै आई जनकपुर में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा आबि रहल एलखिन हँ विभिन्न जगह घूमबो केलखिन हँ तहिना अहाँ सबके वाम गठबंधन के तरफ से कोनो तेहन हाइट के लीडर अध्यक्ष सब कैला नहीं आबि सकै छथिन ई प्रदेश नंबर दू के जे सेंटर जे मानल जाए छे राजधानियो बनय वाला छे जनकपुर एत ने प्रचंड जी ओतेक इंटरेस्ट देखा रहल छथिन एहि बेर अपने क्षेत्र में बिजी छथि ओली जी के सह अवस्था छै आ कांग्रेस तरफ से इम्हर सब आबि रहल छथिन कैला एना पड़ल छै प्रचंड जी तो पटक पटक आबि के गेलै चुनाव से अगाड़ी स्थानीय चुनाव में तो अहाँके लगातार 15-20 दिन तो मधेसे में घूमल सेहो अपने देखलिए हुई अखनी तरी हमरा सबके कोनो योजना नहीं बनल है अब योजना बनते कल तो वह उम्मीदवार थे वहीं जाकर मतलब दोसर में शेर बहादुर जी के शांति सुरक्षा के सेहो बैठक काम रखले छे तहु नाते अली हुई मतलब अते और नेता सब अते है ना हम सब हमरा सबके आवश्यकता महसूस बुझेते हम सब लेबी नेता सबके अते कोनो नहीं है तीसे वाला बात कनिका मधेश केंद्रित बात करी मातृका जी शुरुए से मधेश एक प्रदेश रह के चाहे चर्चा उठा रहा छी लगायत मधेशवादी दल जहिया मधेश दू प्रदेश के बात के लिए तहियो अहाँ एक प्रदेश के बात करी छली आब अहाँ की कहबे तो हम करी छी हम अखिंतो कहे छी मधेश एगो अपने आप में एगो राष्ट्रीयता छै नेपाल बहुल राष्ट्रीय देश छै एकटा देश में बहुते राष्ट्रीयता रहै छै एकटा कंट्री में बहुते नेशनलिटी सब रहै छै आ सब नेशनलिटी के स्वतंत्रता होना जरूरी छै ओकर पहचान होना जरूरी छै मधेशवादी सब के कोनो विचारो नहीं छै जेकर मधेशवाद कथी कहू मतलब कोनो मधेशवाद तो कोनो दर्शन तो नहीं छै कोनो राजनीति तो नहीं छै खाली नाम दे देने छै भावना छै मात्र तो भावना सब अहाँके सब चीज के अभिव्यक्ति नहीं होइ छै मतलब विज्ञान के पकड़ पड़ै छै ताहि दुआरे हमरा सबके नजर में आ वास्तविकतो छै तथ्य छै सारा चीज छै मधेश अपने आप में एगो राष्ट्रीयता छै और एकटा राष्ट्रीयता के टुकड़नाइ मतलब अपराध होतै अपराध के विरुद्ध में आवाज उठना जरूरी छै ई अपराध तो भऽ चुकलै मातृका जी एखन तऽ आप मधेश ककरा कहबै अहाँके नजर में एखन मधेश की छै प्रदेश नंबर दू के मधेश कहबै कि 22 जिला एखनो मधेश छै 22 जिला मधेश छै ताहिमे थारू के जनता सब थरोट के जनता सब कहीं हमसब अलगे रहब रह सकै छी ओहिमे कोनो अथी नहि अपने सब में से जना हम अहाँ दू भाई छी कहै छी भिने रहब तो नहीं रह दै छी हमर भाई सब कहते भिने रहब तो रह सकै छी लेकिन दोसर गोरा जे कहै छी तू भिन रह चाहे फुटाबै छै ओ अपराध छै अहाँके लेकिन ई तऽ फुटि चुकलै फुटि गेल फिर जुट सकै छी नहीं अहाँके ओहि के लेल अहाँ लगायत अहाँके पार्टी प्रयासरत रहबै एहि बारे में तऽ हम तऽ कहली कि हमर निरंतर रहते आ हम ओहि इशू के मरितो दम तक छोड़ वाला में से नहीं छी
हम पार्टी में फरक मतो रख लै छी अहाँ के पार्टी एहि बात से सहमत कैला नै होइ छै त मतलब हमर पार्टी सहमतो होइ छै मान्यता सहमतो होइ छै कुछ लोग विरोधो करै छै ते दुआरे एकरा हम और व्यवस्थित ढंग से विभिन्न रूप में जनता के बीच में आबि कऽ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रूप में सबते भी चीज के उठा रहल छै त ई मुद्दा आब आगा कोन हिसाब से बढ़तै त जे अहाँ कहै छी एक मधेश एक प्रदेश संसद में उठतै संसद में तो मधेश के नाम सुनते बहुते जना के मन खराब भ जाय छै नामे नै सुनै चाहै छथिन केकरो मन खराब हो केकरो बुखार लगो केओ बेचैन हो वो बात अलग छै तो होइत रहो लेकिन मधेशक मुद्दा के केओ अपन नै कर सकै छै सबसे बड़ा चीज छै कि जे मधेश के अपना के कच्ची मधेश वादी छी वहे चीज छोड़ जाय छै मतलब अहाँ के पहाड़ी शासक सब दुयोटा नै दिए लै तैयार भेलै आई सब अपने कहे हमी तो दुई भन दुई में तो प्रतिबद्ध छु बीच देख लियो मत है ना दोसर में अखनी एक के पार्टी के देखे राष्ट्रीय पहचान नाम की चीज छोड़ दिल ककरो पार्टी के नाम पर मधेश से या मधेश नाम की चीज से नहीं छे मधेश मधेश कहते कहते अब आ के मधेशो भूल गई इस तै दुआरे हम अहाँ सब देखलियो कि कुछ दिन पहले स्थानीय चुनाव से पहले हम एगो कार्यक्रम कैले रही काठमांडू में ओहि कहलिए कि समग्र मधेश एक प्रदेश हुआ चाहिए कहकर बहुते लोग आतंकित भेलै हमरा पार्टी के कानून कोनो नेता कल के अब हम तो नहीं रही बाहर रही कांतिपुर में पहले कार्रवाई करनु पड़ सकते थे लेकिन अखन तो हमारा नहीं क्यों पूछल कि तू ये बात खिलाफ बदला है कहकर मतलब मतलब ई तऽ पीड़ावला बात छै देश मतलब जेना केओ टुकड़ावला छै तेना तऽ राष्ट्रीयताके टुकड़नाइ ई एगो स्वाभिमान मधेशीके लेल एकटा बहुत पीड़ाके चीज छै आ मधेशवादी नेते सब कहै छै टुकड़ाव पर तऽ अब आ मधेशी जनताके भावना ओकरा सब जोड़े बेसी जोड़ायल छै किछु तऽ नीक काज करैत हेथिन तैँ तऽ भावना जुड़ल छै आ सपोर्टो भेटै छै सबसँ बड़का छै कि पहाड़ी नेता सब जे छै ओकरा सबमे समस्या सब छै अगर ठीक ढंग से संबोधन करो तो ई मधेशवादी दल सबके कोनो अर्थे नै रहत कोनो काजे नै रहत कतौ समस्या आबि जाइ छै हुनकर सबके मेंटालिटी में जे अहाँ जे कहै छी एकरा में तो कोनो ईमानदारते नै छै ओ सब बड़ो अपना समुदाय प्रति ईमानदार छै पहाड़ी नेता सब अपना समुदाय प्रति मतलब भावना में ईमानदार रह पावर में रहै छै मुझे कभी ईमानदारो छियो नहि आ जे आदमी अहाँके दोसर के दमन करै लए चाहतै ओ अपनो जनता के दमन करै छै अपनो समुदाय के दमन करै छै चाहे मधेशिया हुआ चाहे पहाड़िया है ना ताहि दुआरे उत्पीड़ित पहाड़िया और उत्पीड़ित मधेशिया के मिलना जरूरी छै आ जँ ई दुनू के बीच में जे मतलब सहकार्य होते मधेशो के समस्या हल होते पहाड़ों के समस्या हल कार्यक्रम के अंतिम अंतिम में आबि गेल छी एक दूटा प्रश्न अहाँ संगे राख चाहब आब लास्ट लास्ट में आब वाम गठबंधन मधेश में केना की परफॉर्म करते आब वाला इलेक्शन बतेते अहाँ पर्सनली एत से यदि जीत के जाय छी तो संविधान में जे कहै छी कमी कमजोरी की कमी कमजोरी अहाँ देखै छी पहले से बताय दो सबसे तो मधेश के जे सीमांकन के बात छै ओहि पर बहस होते ताहिके बादमे मधेशी सबके जे अखिनतो अहाँके नागरिकतामे समस्या छै नागरिकतामे समस्या हम कतौ देख रहल छी हिन्दू रङ्गके लोक सब छै अङ्गीकृत नागरिकके एगो कहै छै कि सभे अधिकार हो जाइ जरूरी छै कतौ नहि ओहन अधिकार होइ छै अहाँके लेकिन एहन जे महिलाके साथ दुर्व्यवहार भऽ रहल छै महिला तऽ अपन नागरिकता छोड़ि कऽ अबै छै सबचीज छोड़ि कऽ अबै छै ओकरा अहाँके बोनाफाइड नागरिक मानऽ पड़तै महिला के है ना समान अधिकार चाहे मतलब इनके ओकरा अंगीकृत नहीं कि वैवाहिक संबंध के नागरिकता ओकरा कहना जरूरी छै मतलब तो ओ समस्या छै दोसर में अपने के मधेश के जे बारे में लोग बहुत लीडर सब के छी सब बाहर से आयल छै है ना एते लाख मतलब बाहर से आबे वाला लेने छै कि कर रहल छै तो हम सब कहै छी हम सब बाहर से आइ लेने छी एक दू प्रतिशत क्यों आयल होती बाहर से
हमसब तो अहन के छी नहीं, हमसब रियल में कहबे तो मधेशी सब अहन के सबसे आदिवासी छे। नेपाल बना वाला के मधेशी सब ना बनेने छे। तो दर ई चीज सब के अहाँ के हल करना जरूरी छे। समानुपातिक अधिकार सब क्षेत्र में होना जरूरी छे। अहाँ के नहीं मिलत अड्डा अदालत सब नहीं मिलत। संविधान में तो लिखल छे लेकिन कतु नहीं मिलत। अहाँ के सेना में नहीं मिलत है ना। वहाँ के छाती नाप में मतलब अहाँ के पिता में डेढ़ बढ़ा कर देता अहाँ केतबो कूदब तो अहाँ के फेल कर देते मतलब अहाँ के। ते दुआरे मधेशियो सबके सेना में उनका विशेष व्यवस्था करे पड़ती। एत प्रतिशत चाहबे करी अहाँ के एक बार नहीं होती मतलब शुरू तो करती नहीं मतलब अहाँ के एगो समय में जाकर तो जत प्रतिशत मधेशी के चाही ओते प्रतिशत के भरना कर जते अलग से अहाँ के एगो समय में जाकर मतलब अपन जते कमी कमजोरी अहाँ बतेलिए वह बात के मेन एजेंडा बनाकर मधेश केन्द्रित दल जो एखन गठबंधन जो बनल छे राजपा संघीय समाजवादी फोरम के ओहो सब उठाब रहल छथिन। कांग्रेस सेहो वह बात कह रहल छथिन। कांग्रेस तो केला नहीं अथी केलकै अहाँके देखबे केलिए लेकिन प्रस्ताव आगा तो बढ़ेलखिन सब कमरेड प्रचंड के नेतृत्व में जो सरकार रहे जब वो प्रस्ताव लग गेले तो कांग्रेस नहीं तैयार। लेकिन फिर कांग्रेस अपना लीडरशिप में तो प्रस्ताव सामने कल के जेमे कुछो कुछो छीते नहीं छले खासे चीज नहीं छले है ना। तै दुआरे देखावटी बनला से मात्र नहीं होते कि रियल में उची के लेल अब मधेशवादी तो बिचारा जी का भगल छे। बिचारा जी का कौन हिसाब से अपने ई बात कह रहल छी अइ दुआरे कहै छी बात करत बड़का बड़का आ जब प्रधानमंत्री लग जाए तो सहूलियत खोजत अहाँ सुविधो खोजबै अधिकारो खोजबै दुनू चीज नहीं मिलत। लेकिन लड़ तो वह सब रहल छथिन विभिन्न रूप से आंदोलित वह सब छथिन। हम सब ले रहल छी कि हम सब नहीं ले रहल छी कहाँ अहाँ सबके पार्टी कहाँ ओहन खुलस्त रूप से देखल जाइ छी हर मोर्चा पर ले रहल छी। आंदोलन हमरा सबके साथी सब शहीदो भेले मधेश के आंदोलन मधेशी जनता के अधिकार पाब के लेल 1300 मधेशी जनयुद्ध में शहीद भेल छी 1300। तो जनयुद्ध के बात करै छी मात्रिका जी अपने एखन जे अइ बेर के जे भेल छलै संविधान बनाबा के समय में हां तहु बेर में हम सब आंदोलन में छी तहिया अहाँ माओवादी पार्टी से अलग रहिए। माओवादी पार्टी में रही हम एखन के जे हां वही पार्टी में नहीं रही माओवादी पार्टी में रही हम दोसर पार्टी में तो नहीं रंग बदल के तो नहीं गेल माओवादी पार्टी में रही हम तो दोसर जगह रंग अइ में सब में रंग तो नहीं बदल गेली माओवादी पार्टी में रही। सीमांकन के बात अबै छै त एमाले के बहुत नेता कहै छथिन जे एको इंच नै इमहर से उमहर हेतै त जे कहतै एको इंच नै होतै त उ देश के टुकड़ा करतै। टुकड़ा करै के इल्जाम हमरा यहाँ पर लगै छै जे ई सब विखंडनकारी छै। अगर सुन ना उ कोनो इल्जाम लगतै हमरा के उ छी ब्योरो पर हम सब के दोषी नै होबै। जे मधेशी जनता के अधिकार नै देतै उ टुकड़ाब के लिए तैयार छै से बुझै पड़तै केओ चाहे राम होइ श्याम होइ केओ। संविधान के बात से आप कनी खटि के विकास निर्माण के बात दिस आबी अहाँ जो क्षेत्र से लड़ रहल छी विकास के अवस्था की केना छै अहाँ सेहो जनै छी नाजुक रहल छै अवस्था सड़क सब ओतेक रूप से बढ़िया जगह नहीं बनल छै बरसात के समय में किसान लगायत विद्यार्थी सब के बहुत समस्या भऽ रहल छै पैदलो चलला मुश्किल होइ छै पैदलो चलला मुश्किल होइ छै एकर दोष के लेतै त आम जनता त लऽ नै सकै छै या राजनीतिक लीडरशिप सब के लेबऽ पड़तै ने। जनता कतौ नै दोषी होइ छै अगुवा सब दोषी होइ छै तो मधेशक जे जनप्रतिनिधि सब रहै छै अहाँके ओ एते दोषी छै अहाँके कि मंत्रियो सब अहाँके LDO के घुस खियाबै छै प्राविधिक के घुस खियाबै छै आ प्राविधिक सब अहाँके मधेशिये सब बेसी छै यानी ओ बिसरि जाइ छै कि हम मधेशिया छी है ना। आ जनप्रतिनिधियो बिसरि जाइ छै कि हम मधेशिया छी। तै दुआरे जनता ल एगो भावना कति हिमबहादुर पैसा गेलै अहाँके ई सरकारी बजट हो हम खाइ छी तब ना तोरो सबके 50-50 रुपया दै छियो आ काठमाण्डू घुमा दै छियो अखन तोरी ओ अहाँके मानसिकता मधेशी सबमे छै अहाँके ओ सरकारी बजट छै। ई नहि किसी जनता के हमरा अहाँके ज्ञान दिए पड़तै कि तोहर कमाई ई अहीं सबके कमाई है
अहीँके खून पसिनासँ जम्मा होइ छै, पैसासँ मतलब राजस्व ट्याक्सके बदौलत जाइ छै, होइन? से चीज जनताके बुझनाइ जरूरी छै। जेना अपना सम्पत्तिके लेल मतलब मलाल रहै छै, तेनाहिते ई सार्वजनिक सम्पत्ति सबके छै, एहिके लेल मलाल राखऽ पड़तै। ककरा अगर एहि चीजके हमसब अथी करी तऽ जे अबै छै, एक तऽ बजेटोमे भेदभाव होइ छै, दोसरमे जे अयबो करै छी अहाँके तऽ बहुते प्रतिशत धुआ खा जाइ छै, अहाँके बहा दै छै। ताहि दुआरे हमरा सबके किटान करऽ पड़तै योजनाके, सड़क प्रधान की, कोई कोनो जगह पानि प्रधान की, कोनो जगह इसकुल प्रधान की, कतऽ कोन चीजके आवश्यकता छै अहाँके, ओहि चीजके किटान करऽ पड़तै आओर वहीमे लगानी करऽ पड़तै। बात सब गोटे के लगभग लगभग अही पर निर्धारित रहै छै जे विकास करऽ पड़तै। जेना हम कहै छी तेनाहिते कहै, हम कहनौ लगभग लगभग एना रहै छै, लगभग नहि विकास निर्माण के काम मे सब गोटे के निर्वाचन बेर मे आवाज इएह रहै छै जे कमी कमजोरी छै, एकरा न्यूनीकरण करऽ पड़तै, विकास करऽ पड़तै, समस्या सब देखल जाइ छै, लेकिन जितला के बाद ई बात सब कतक चलि जाइ छै? तऽ हम तऽ कनि मनि दिन मंत्रियो रहली, कनि मनि दिन मतलब सांसदो रहली, तऽ अहाँ सब खान तलाशी करू, खोजबीन करू कि हम जे बजली से केली। हम अपने के विश्वास दिलाबै चाहै छी, हम अगर जीत के गेली, जितबे तो करबे करब, जे बजै छी हम से करब। एहि बेर के इलेक्शन में जे प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के चुनाव जे भऽ रहल छै, कांग्रेस लगायत मधेशवादी दल के वोट कैला नहीं भेट के चाहिए, पहिल प्रश्न एक, आ दोसर प्रश्न वाम गठबंधन के कैला भेट के चाहिए? तो एकटा तो बात करै छी अहाँके कि थाई तो सरकार हो चाहे, एक दोसर में अहाँके सामाजिक जे समस्या सब छै ओहिके हल होना जरूरी छै, तेसर मधेशक समस्या हल होना जरूरी छै। आ ओ चीज अहाँके बामे सरकार देते, और विकास के लहर देश में मतलब रोजगार के सृजना क के युवा सबके देशे में मतलब केंद्रित करना जरूरी छै। ताहि दुआरे ई चीज बामे सरकार कर सकै छै। और अहाँके जेना अपना सबके सरकारी स्कूल सब छै ओहिमे पढ़ाई नहीं होइ छै, कुछ लोग अहाँके हमरो सबके विद्यार्थी संगठन अहाँके अथी के विरोध केलक, प्राइवेट स्कूल सबके विरोध केलक, आ ओकर जोर हुआ चाहिए मतलब सरकारी स्कूल के मतलब प्राइवेट स्कूल जगह बना दिए थे। हमरा सबके बीच में छलफल भ रहल छै अहाँके, आइ शुरू करबी तऽ एहि साल शुरू करबी तऽ दस बरस में तो ओहि स्टेज पर चलि जेतै ने स्कूल, जे है ना? हम गेली भूकंप बेर में अहाँके नुआकोट गेल रही राहत काम में, तो स्कूल में हम सब डेरा डाले वही मतलब अथी के लिए, वही पूरा इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हुई, वही अहाँ के विद्यार्थी के भीड़ भीड़ लगी एडमिशन करवा लगे, तो आइए ना अहाँ के स्कूल में जा ही लाइन नहीं चाहिए, खाली देखब लगी जाए छी मतलब। तो ये चीज़ सब पर वाम सरकार जोर करते, ते दुआरे हमरा सबके वोट मिलना चाहिए, आ गप चूटा वाला सबके वोट नहीं मिलना चाहिए। कार्यक्रम में आब अंतिम प्रश्न अहाँ से राखऽ चाहब, देखल गेलै दूटा चीज कांग्रेस रिलेटेड, पहिल जे चितवन राष्ट्रीय निकुंज जाय वाला माड़ी के जे रास्ता छै ओतऽ जे टोल नाका के जे टैक्स होइ छै ओ माफ कऽ देल गेलै पहिल बात, आ दोसर बात एकटा गंभीर मुद्दा छै, राष्ट्रपति जे छलथि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव, हुनका संगे जे एक हिसाब से दुर्व्यवहार कही चाहे जे कही, हुनका घर पट्टी बार बार भाड़ा के लेल किचकिच अबै छै, सार्वजनिक सूचना निकालै छै, मधेश के रिप्रेजेंट करय के नाते अहाँ के की बुझाइए, ई कैला एना भ रहल छै तऽ आखिर में, आ हमरा अहाँ के कतेक दिन ई समस्या भोगऽ पड़तै, कि रंग के कारण मात्रे एना ठीके भ रहल छै कि एहिमे आरो किछु बात सब छै? ई निश्चित रूप मे मधेशिया के देखनाई मे अखिन तो समस्या छै शासक पर, हमरा तऽ लागि रहल अब कोन कारणसँ तगेदा करै छै की करै छै, ओहिमे तऽ हुनकासँ तगेदा करही नहि चाही,
भाड़ा नहीं दल गए बहुत दिन से समझौता से नवीकरण कैल गए तो सरकार के काम न उनकर काम तो नहीं ना मतलब। सरकार में अखन कांग्रेस आ माओवादी सरकार के काम कांग्रेस है माओवादी तो बिना विभागीय मंत्री सब लेकिन छी ने कोनो हिसाब से सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन है मानी लेकिन छी तो वही के लिए तो अहाँ के राम बरन जी तो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कह के ते दुआरे अगर कांग्रेस ईमानदार हो तो समस्या नहीं है पूर्ण भारी बात नहीं ना तो उची तो बाजा पड़ी नहीं राष्ट्रपति जी के तो पूर्व राष्ट्रपति जी के बाजा पड़ी नहीं मतलब कि हमारा एन किस्म से टॉर्चर दिया रहा अलग है तो बाजा पड़ी नहीं मतलब उनका राष्ट्रपति सन लोग के साथ एना यदि हो तो आम जनता कौन हिसाब से निर्धक रहते जे कोनो भी पार्टी यदि रहते तो ओकर आवाज राखल जते नहीं मतलब जब राष्ट्रपति जी पूरा ओकरा सब के हम हां मिलबे तो बड़का देशभक्त रहे जब कहल के कि संविधान के कन ठीक क कर लाओ सभे के संबोधन क कर लाओ तो कहा लगले मतलब राष्ट्रपति कति जनी है सुइया लगाव वाला आदमी कति जनती से कहलि तो राष्ट्रपति भजा वा चाहे मतलब महाराष्ट्रपति भजा मधेशिये न छे हमरा अहाँ के बुझे पड़ते कोनो पद पर जाए तखनो अहाँ के याद रखे पड़ते हम मधेशिया फूल फैल के मंद बगला पर नहीं होते कि मतलब कमी कमजोरी हमरो अहाँ में से हम कहे छी हम अहाँ जखन ते पावर में जाए तो अपना के बुझ जाए छी कि मतलब कि हम छी हमरा सन केव नहीं है कि आ जखन ते कनिक के बजे छी तो अहाँ के अहाँ सन फिर क्यों नहीं हुई फिर निगेटिव हो पॉजिटिव हो ते दुआरे हम अपना के नहीं बिसर जाए बहुते लोग अपना के बिसर जाए छी हम हमेशा रहे छी हम कतौ जाए छी तो हम बुझते रहे छी हम मधेशिया छी। कार्यक्रम के अंतिम सवाल के साथ संपन्न कर चाहब धनसा क्षेत्र नंबर एक प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार मातृका जी के वोट कैला भेट के चाहिए एहि क्षेत्र में एहि दुआरे भेटे चाहिए कि ओयन अहाँ के जत अखन तक प्रतिनिधि सब भेले ओहि क्षेत्र के विकास नहीं भेल छै तो एक क्षेत्र के विकास दोसर में मदेशक समस्या के हल देशक समस्या के हल के लेल हम एगो सिपाही छी आ वो सेवक छी जनता के ते दुआरे जनता हमरा वोट दे के हमरा से सेवा लोग के हमरा ओहि दुआरे वोट देते जनता से हमरा विश्वास है। मातृका जी चुनाव प्रचार के दौर में व्यस्त शेड्यूल रहे छे अहाँ सबके ओहि बीच में ओहि व्यस्तता के बीच में हमरा सबके साथ में आबि के बातचीत कर देलहुँ हमर सबके प्रश्न के जवाब दे देलहुँ ओहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। हमरा तो छल कि मतलब आई अपने सब कांग्रेस के नेता आनंद जी जोरे मतलब छलफल कराए लेकिन उस सौभाग्य हमरा नहीं मिलल और हमर बात के जनता में अपने अपना सबके अहाँ के अपना टीवी माध्यम से जनता में पहुँचा दिली ये तो हम हमरे काज कर दिल हम ते दुआरे अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिंद छलखिन हाँ मातृका यादव जी वाम गठबंधन के तरफ से धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर एक के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार हिनका संगे आय बातचीत क के बुझे के कोशिश केलूँ जे हिनकर उम्मीदवारी कैला ई कोन एजेंडा के साथ में आगा बढ़ रहल छथि लगायत हिनकर जे वाम गठबंधन छै ओकर की सोच रहल छै लगायत आरो विषय पर बातचीत भेबे के लेल आय के प्राइम टाइम से हम अमित ठाकुर के विदा दिय अहाँ सब अपन टेलीविजन देखते रही नमस्कार।